और यहाँ देख लो ये व्यू कितना ज़बरदस्त है जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। ये पहाड़ी, ये ऐसे ऐसे रास्ते, हम शिकारा पे हैं अभी। यहाँ पे तो ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, कोई शिकारा का यूज़ करना पड़े। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं, जो ये उधर का व्यू पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। Assalamualaikum, hope you all are doing good. Welcome back to my channel, Kush Your Dreamer. तो आज हम आए हैं वटलब, और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, वुलर का भी तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, बट धूप इतनी ज़्यादा है, अल्लाह मुझे दिख नहीं रहा है। तो आप जल्दी से देख लो कितना ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, माशाअल्लाह। मेरा तो मन कर रहा है यहाँ से जंप कर लूँ नीचे और नीचे पहुँच जाऊँ, बट यहाँ से पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है नहीं बट मुश्किल है। और वहाँ पे जो वहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे वो बोट राइडिंग आज होती है, और मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम के बाद वुलर को ऐसा देखा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ये पहाड़ी है एक और यहाँ पे ये ऊपर से ये खेत, धान के खेत में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे, और ये वाली पहाड़ी जो बाबा शुक्रुद्दीन की ज़्यारत है वहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कितना क्या मज़ा आ रहा है वो देख। और तो अभी हमें ऊपर जाना है, तो चलिए चलते और आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम ऊपर ज़्यारत पर चढ़ गए हैं, धूप इतनी ज़्यादा थी और सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, और वहाँ पे कुछ बैनर लगा था, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आर नॉट अलाउड, तो मैं कोई ऐसे शूट करना नहीं चाहता था वहाँ पे, एंड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, क्योंकि इससे पहले एक दो एपिसोड्स हो गए थे मेरे, के मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था कहीं, एक तो वहाँ पर इको पार्क में और दूसरी कहीं जगह पर, तो मैं वो अब नहीं जा रहा, इसलिए मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया। तो अब हम पीछे एरिया में आ गए हैं वो ज़्यारत के, और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये पेड़ है, बहुत ही शेड है और बहुत सुकून है, और यहाँ से ना वुलर का व्यू भी दिख रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, ये और मेरे साथ हिदा है, बहुत ही तंग कर रही है मुझे, ये इतनी शांति है यहाँ पे, बहुत पूरा वो साइलेंस है, ना कोई शोर है ना कुछ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अभी हमारा सडनली यही 5 बजे है अभी, तो हमारा ऐसी सडन सा प्रोग्राम हो गया कि हम जाएंगे यहाँ पे, तो अभी हम मतलब अभी पहुँचे हैं, तो अब मुझे लग रहा अच्छा हो गया कि हम यहाँ पे आ गए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं हम, बट सुकून है बहुत ज़्यादा यहाँ। अब हम फाइनली उतर गए हैं वहाँ ज़ियारत से, नीचे आ गए हैं, और धूप इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और हमने अभी प्लान किया हम सीढ़ियों से उतर जाएंगे, पहले तो हम गाड़ी में आए थे ऊपर तक, अब हम ना सीढ़ियों से उतरने वाले। और जो यहाँ पे जो स्ट्रेट ये वाला ये पहाड़ी है, यहाँ से वो राजपुर रामपुर का रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़ ये। तो अभी हमने ऑफ रोड जाना है, तो उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं। तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया, और रास्ता देखो कहाँ से निकलना, हमें यहाँ ऐसे जैसे जंगल में से बीच में चलना पड़ रहा है। और यहाँ देख लो ये व्यू कितना ज़बरदस्त है जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, ये पहाड़ी, ये ऐसे ऐसे रास्ते ये जाते, वही ना वही राजपुर रामपुर जो ये पहाड़ी है इसके पीछे है वो ये। और यहाँ पे ये क्यूनों सा है ये वाला साइड, और ये वाला साइड ना मतलब है ये वाला, और कितना खूबसूरत नज़र मंजर है। तो अभी चलते हम, और यहाँ पे ये देख सकते हो कैसा धूप तो इतनी ज़्यादा है, और इस टाइम ना मेरी स्किन
ख़त्म होने वाली है, जल जल के राख होने वाली है, और मैं भी होने वाला क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है। तो आगे थोड़ा और चलते हैं। तो लो जी देख लो मैं कहाँ कहाँ से चल रहा हूँ, ये देख सकते हो कैसा रास्ता है, और ये देख लो बहुत ही ख़तरनाक से, मुझे समझ यहाँ पे सांप वाँप कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, बट मेरा शौक हो गया कि मुझे एडवेंचर करना है और मुझे यहाँ से जाना है। वाह थोड़ा सा साया आ गया शेर, जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि नीचे तो ऐसा कोई शेर मिलने वाला नहीं है। एंड देन ये थोड़ा सा ये, और यहाँ हम फिर से नीचे आ गए हैं। एंड देन यहाँ पे फिर से रोड है, एंड देन यहाँ से सीढ़ियाँ असल में स्टार्ट हो रही है, जो जहाँ यहाँ पे ना थोड़ा सा भी शेर नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है, तो आपको भी दिखाते चलते। तो 10 मिनट हो गए हमें चलते चलते, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है, ऐसा लग रहा है मेरे कपड़े गीले गीले से होने वाले हैं। अभी बाहर से नहीं लग रहा है बट अंदर से तो मेरे कपड़े लग रहे हैं गीले गीले, और रास्ता कुछ ऐसा है, पूरा रॉ पहाड़ है। ओह माय गॉड मुझे इतना डर लगा था, मुझे शायद कुछ आ गया वहाँ से बिजाड़ियों कसम ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था। और खा दिएगा, और यहाँ पे तो जो सीढ़ियाँ हैं, क्या सीढ़ियाँ, कुछ भी नहीं है, ऐसी थोड़ी सी ईंटें वींटे लगाई हुई है ऐसे, वैसा कुछ तो प्रॉपर सीढ़ी तो हम इसको नहीं बोल सकते। और बट व्यू ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बट सुबह और जो मॉर्निंग और इवनिंग में ना बहुत ही मज़ा आता होगा यहाँ पे चलने में, और प्रॉपर सपोर्ट शूज़ लगा के आना होता है तब तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट मेरा तो हमेशा होता है लोफर्स या चप्पल होती है या कुछ ऐसा सैंडल्स होता है वरना। बट ट्रैक तो मैं हर जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे तो ट्रैक करता ही हूँ मैं, और वो भी यहाँ के व्यूज ना बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस साइड से भी देख लो उस साइड से व्यूज हैं ये। बट एक और वही ना मुझे डर लग रहा कि कहीं से कोई जंगली जानवर ना आ जाए या कोई सांप वांप, बाकी तो कुछ नहीं, और बाकी तो सबसे ज़्यादा तो धूप है, जो धूप मुझे इतनी ज़्यादा तंग कर रही है। तो देख सकते हो मेरी हालत, मेरा फेस कैसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ओहो, ऐसी तो गर्म हवा सी मेरे फेस पे लग रही है अभी, जैसे हीट इतनी ज़्यादा हीट है। और यहाँ से देख सकते हो वेव, ये यहाँ से बुला रहे हैं, और यहाँ पे ये वटलब, जो वटलब के खेत हैं वहाँ वो दिख रहे हैं। और ये संगरी जिसको बोलते हैं संगरी, यहाँ पे ना ड्रोन शॉट्स बहुत अच्छे आते होंगे, बट यहाँ पे मुझे लगता है अलाउड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आर्मी का कैंप है, उस साइड से सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ना यहाँ पे थोड़ा मसला होता होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली हम सीढ़ियाँ तक नीचे आ गए, जो मैं अप्रॉक्सीमेटली यही कोई 20-25 मिनट्स लगे ऊपर से आने में, और हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी मेरी, बहुत ही ज़्यादा धूप इतना देख सकते कहाँ पे, ये तो थोड़ा ही दिख रहा है कुछ, इससे ऊपर भी इसके पीछे भी कुछ है जो बहुत ही एरिया है, मैम वही ना 20-25 मिनट्स हमें लगे ऊपर से उतरने में, और जो डाउन हिल होता है वो थोड़ा इजी रहता है, और जो अप हिल होता है बहुत ही मुश्किल होता है, हम अप हिल तो गए नहीं वहाँ पे, तो इसी वजह से थोड़ा इजी हो गया, बट मेरा एनर्जी लगाना पूरा डाउन हो गया है, अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए क्योंकि अभी गाड़ी कहीं और गई है, तो उसी हिसाब से हमें अभी वेट करना है, और वो भी नहीं पता कितना वेट करना है, तो देखते हैं कितना वेट करना पड़ता है। तो फाइनली हम संगरी से भी नीचे आ गए हैं, एंड देन हम जो ये रास्ता या जो बोटिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे हम जाने की कोशिश करें। तो ये देख सकते हो हम ऊपर कहाँ से, यहाँ से हम वो ऐसे ऑफ रोड करके आ गए, और अभी हमें इसके पीछे जाना है, ये पहाड़ी है इसके पीछे घूम के जाना है,
तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। वो एक बंदे से पूछा था मैंने कितना कितना डिस्टेंस है, वो तो 3 किलोमीटर्स बोला था, पर अभी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे बाबा शुक्रद्दीन की ज़ारत है, और यहाँ से नीचे हम पूरा पैदल आए हैं। ऐसे तो ईजी लग रहा है बट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था, बहुत ही ज़्यादा। 2000 years later. तो फाइनली हम आ गए हैं इस पार पहाड़ी क्रॉस करके, और यहाँ का व्यू ना बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैं लाइफ में पहली बार आया हूँ इस स्पॉट पे, और बहुत मेहनत के बाद, खुदाया कितनी कितनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे, और आप देख सकते हो व्यू कितना ज़बरदस्त है। बट मेरी हालत ना ख़राब हो गई कसम से, और यहाँ पे बोट्स, स्पीड बोट भी और शिकाराज भी चल रहे हैं बहुत सारे। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है कसम से, बट मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ कसम से। तो देखते हैं हम कहीं अगर हम बोट मिली तो हम बोट राइड करेंगे, और तो मिलते हैं दूसरी तरफ। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं वी पॉइंट पे, और अभी पूरा अंधेरा हो चुका है, एंड हम शिकारा पे हैं अभी। यहाँ पे तो ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, कोई शिकारा का यूज़ करना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लगा क्योंकि मेरी स्विमिंग नहीं आती और वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है अल्लाह। और बहुत ही ये पानी, तो यहाँ पे ना छोटा उतना ज़्यादा डिस्टेंस है ही नहीं, बस यही 100 to 200 meters का डिस्टेंस है जो ना शिकारा में ही करना पड़ता है, जो यहाँ पे रिसेंटली बना हुआ है व्यू पॉइंट। और बीच में एक पत्थर भी है, पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है, और इसमें पेड़ भी है, और मैंने सुना यहाँ पे कोई फ्लोटिंग मास्क भी है, बट आज हम नहीं जा सकते वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा सुकून है यहाँ पे, और ठंडा भी है। तो वहाँ पे यहाँ से हम ट्रैक करके आए, इतनी हालत ख़राब होगी, और अभी कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा, पूरा ना डार्क डार्क हो गया है। एंड हम फाइनली पहुँच ही गए यहाँ पे, और तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं, जो ये उधर का व्यू पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बट अभी बहुत ही ज़्यादा डार्क है, कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तो 8 बजने वाले हैं, और मुझे बहुत ही डर लग रहा है, और है ना हमारे आगे आगे चल रही है, और यहाँ का व्यू ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देख सकते हो 360 व्यू। ऐसा लग रहा है ना पानी से चल रहा है ना, हमें लग रहा है कि ये भी फ्लोट कर रहा है, बट वैसा कुछ नहीं है, पानी पानी फ्लोट कर रहा है बट वैसा कुछ नहीं, बट बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अब हम यहाँ से भी निकल रहे हैं, और मज़ा बहुत ही ज़्यादा आया है। तो अब आ गया वक्त हम अपने व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से आपका व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर आप मेरे फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसको भी लाइक करें, एंड मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी लाइक करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।